पास डोम्स की कलर पेंसिल। तो जल्दी से इसे खोल के दिखाते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी खोलते हैं, बाहर बारिश हो रही है, आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी। खुल जा। तो गाइस हाँ ये खुल गए गाइस। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें टोटल 12 पेंसिल होती है और आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ इतने कलर होते हैं। आखिर में आपको रिव्यू भी दूंगा हर पेंसिल का जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे बिगनर्स के लिए नहीं, मतलब मीडियम के लिए, जो मतलब थोड़ी बहुत आता हो उसको स्केच करना, ये उनके लिए है सामान। तो जल्दी से मैं शुरू करता हूँ। तो आपको मैंने ये दिखा दी, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ तारकोल पेंसिल। ये बहुत काली होती है, मतलब आउटलाइन बनाने के लिए अच्छी है। तो एक होती है हार्ड, एक होती है मीडियम, एक होती है बहुत सारी स्मूथ, पता नहीं, एक मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। तो फिर है मेरे पास आउटलाइन की क्या था, HB से लेकर 10B तक की पेंसिल्स। तो नहीं, टोटल नहीं है, बीच बीच में एक दो छूटी हुई है, क्योंकि आउटलाइन का डिब्बा सबसे अच्छा डिब्बा होता है इस वाले में, HB से 10B तक का डिब्बा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 10B और ये टोटल 3 निकाल ली मैंने अभी, रुको आपको मैं बताता हूँ। HB सबसे हल्की होती है और 10B सबसे भारी होती है। तो मेरे पास 10B भी है इसमें, तो मैं आपको आखिरी में रिव्यू दे दूंगा हर चीज़ का। तो यह वाइट पेंसिल अप्सरा की, जैसे आपको किसी स्केचिंग में आपको बीच में वाइट पॉइंट लाना होता है जैसे लाइट के लिए, तो ये सबसे अच्छा है पेंसिल अप्सरा की। ये आप प्रेफर मैं करूँगा आपको लेने के लिए। मैंने अब तक यूज़ नहीं किया, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत सुना है और अच्छा भी है, तो मैं आपको इसका भी यूज़ करके दिखाऊंगा। तो जल्दी से अगले पे बढ़ते हैं, इसको रख दूँ मैं एक मिनट। अच्छा घुस गई गाइस। तो चल मैं अगले पे आता हूँ। तो अगला सामान देखते हैं क्या है। तो अगला सामान है मेरे पास मार्कर, ये थोड़ा पुराना मार्कर है, एक हफ्ता हुआ लिया हुए। तो बाकी का सामान है वो तो मेरे को हो गया, अभी एक ही दिन हुआ है, आज सुबह ही मैंने मंगवाया है, ऑफलाइन मंगवाया है। मैंने आपको बताया था, मैं आपको इसका रेट बताऊंगा आखिरी में, अभी बताऊंगा। तो ये मैं प्रेफर करूंगा जो बिगनर है वो नटराज के पेंसिल और एक नॉर्मल शॉर्पनर और एक रबड़ ही इस्तेमाल करें, बिगनर्स के लिए यही अच्छा है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ये है मैंने वो आखिरी में स्केचिंग के ऊपर ये यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से स्केचिंग फैले। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं ब्रश को या टिश्यू पेपर को, और इसके लिए अलग से एक पेंसिल आती है पेपर की बनी हुई, इसको आप स्टेशनरी पे जाके पूछ सकते। हेलो दोस्तों, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको पहले थोड़ी सी ड्राइंग दिखा देता हूँ अपनी। मैंने बोला था ना आपको, मैं आपको अभी रिव्यू दूंगा, तो मैं रिव्यू बता रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत ड्राइंग, ये सबसे गंदी ड्राइंग है आई नो, ये साइतामा की ड्राइंग है 155, ये मेरी फेवरेट ड्राइंग है जब मैं आपने दिखाई। रेड क्रिमिनल मैंने बनाई है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, लेकिन ठीक है। ये सारी मैंने नटराज के पेंसिल से बनाई है। तो ये है चारकोल पेंसिल, ब्लू वाली है सॉफ्ट और रेड वाली है हार्ड और येलो वाली है मीडियम। तो सबसे पहले मैं आपको खोल के देता हूँ, खोलने में थोड़ी देर लगेगी, एक सेकेंड गाइस। खुल जा गाइस, ये बहुत भारी है यार, मतलब पन्नी चढ़ी हुई है। खुल जा खुल जा खुल जा, चलो खुल गया है गाइस। तो आपको कैमरा उठा रहा हूँ एक मिनट। तो कैमरा उठा लिया है, तो जल्दी से देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा लाल वाली यानी कि हार्ड वाली। तो जल्दी से हार्ड वाली को यूज़ करके देखते हैं। तो गाइस मैंने एक हाथ में कैमरा ये पकड़ा है यानी कि फ़ोन, और एक हाथ में मैं ये पेंसिल को खोल रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल हो रही है सॉरी मैं तो उतना नहीं हूँ। ये है हार्ड वाली, जो हार्ड वाली पेंसिल है ये बहुत टाइट चलती है, ज़्यादा अंतर नहीं है चारकोल की, बस ये थोड़ी भारी चलती है, टाइट चलती है, अलग अलग चीज़ों में इनका यूज़ होता है। तो जल्दी से ये आँख बनाई मैंने हार्ड वाली से, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मीडियम। तो ये मीडियम है यानी कि येलो वाली, तो ये मीडियम है, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सॉफ्ट। तो सॉफ्ट भाई सब अलग ही लेवल चल रही है गाइस, देखो ना गाइस, अभी आप देखना कैसे स्केचिंग होगी उससे, बस देख रहे हो ऐसा लग रहा है पूछ बना दी, लेकिन मैं बना आग तारा था वो बात अलग है। गाइस अच्छी बन रही है जो भी बताऊँ, अगर मैं इससे परफेक्ट, ये तो मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, अगर मैं परफेक्ट बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएंगी। चलो रखते हैं, अगले पे आते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अब कैमल के ऊपर यानी कि कैमल के पेंसिल कलर के ऊपर। तो उसमें टूट जाते हैं बाला कलर, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ब्लैक कलर का यूज़ करके। तो ब्लैक कलर कुछ ऐसे चलता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। और अब हम करेंगे लाल कलर का यूज़, तो मैं दो ही करूँगा क्योंकि आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि ये
ज़्यादातर लोग यूज़ करते ही करते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। क्या बढ़िया फ़ोन में ज़्यादा इस इतना अच्छा नहीं दिख रहा कि आपका आंखों में देखोगे तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर इससे ड्राइंग बनाएंगे अभी तो मैं कल परसों में इन सारी चीज़ों का यूज़ करके एक ड्राइंग बनाऊंगा, तो आप उसके। हेलो दोस्तों, तो मैं ये 8 लाइन के कलर ले आता हूँ। इसमें टोटल 6 तरह के होते हैं, मतलब एच बी से लेकर टेन बी तक। बीच बीच में कुछ 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 नहीं होते, जैसे कि एच बी है, 2B है और 3B नहीं है शायद से। हाँ 3B नहीं है, 4B है, 6B है और 8B है और 10B है। तो ये 6 नकल, ये 6 है। तो जल्दी से इनका यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एच बी कहाँ लिखा होता है। तो ये गाइस एच बी है, आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन ये एच बी है। तो मैं आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा उसकी तरफ यूज़ नहीं हो रहा, तो आपको दिख लिख के दिखा देता हूँ। तो जल्दी से यूज़ करते हैं। तो गाइस ये कितनी हल्की चल रही होगी, आपको नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हैं बगल में तारकोल का वो है, वो सॉरी ब्लैक पेन का। ये इतनी हल्की है, आपको इतनी मतलब बहुत ज़्यादा हल्की है गाइस ये। मेरे को लगा नहीं था इतनी हल्की होगी, लेकिन ये बहुत हल्की है। तो गाइस ये है 10B, जो सबसे डार्क होती है। ये ज़्यादा ही डार्क है गाइस, ज़्यादा ही। तो भाई आप देख सकते हैं कितनी मैंने लाइन मारी, इतनी मैंने थोड़ी हल्की से प्रेस किया था और इतनी बड़ी लाइन हो गई। वो तो मैंने जान भी नहीं लगाई थी, मैंने स्केच किया इतना काला हो गया। ओ भाई साहब, ये 6P है गाइस, ये 6P है भाई साहब। ये इतना काला नहीं है 10B जितना, लेकिन तब भी। तो अब मैं शायद से 8B यूज़ करता हूँ। 8B है ना, नहीं नहीं गाइस सॉरी, 2B है, मतलब हाथ में 2B आ गई। तो 2B है, मतलब HB से थोड़ा सा ही ऊपर है, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं है। इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं गाइस। मैंने कहा था अब मैं आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगा, लेकिन ये ब्लैक पेपर पे नहीं दिख रही है वो, लेकिन ये बहुत अच्छी है अगर बीच बीच में ड्राइंग के बीच में यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है गाइस। थोड़ा गीला हो रखा है इसलिए ज़्यादा डार्क कर रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये असल में बहुत अच्छा होता है ब्लेजिंग के लिए, ब्लेजिंग।